यूं तो सभी स्टार्स अपने फिल्मी करियर में एटलीस्ट एक सुपर हीरो फिल्म करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन लगता है दबंग खान ऐसी कोई भी फिल्म करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी तो हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब सलमान से पूछा गया कि क्या वो एक सुपर हीरो फिल्म जैसे बैटमैन या सुपरमैन करने में इंटरेस्टेड है, तो इसके जवाब में सलमान ने कहा, हाँ मेरी अगली फिल्म टाइगर जिंदा है। इस बारे में आगे बात करते हुए सलमान ने कहा, इसके बाद मैं दबंग करने वाला हूँ और उससे ज्यादा सुपर हीरो फिल्म और क्या हो सकती है भला। वैसे ये बात सही भी है, आखिर एक सुपर हीरो का काम दुनिया को जोखिम से बचाने का होता है, और दबंग में भी सलमान का किरदार कुछ ऐसा ही है जो लोगों को मुश्किल घड़ी में उनसे बचाते हैं। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड यानी ऋतिक रोशन नहीं चाहते हैं एक और हॉलीवुड फिल्म के रीमेक करने में। जी हाँ, इस बात का खुलासा करते हुए डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने हाल ही में एक लीडिंग डेली के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा, रैम्बो के इंडियन रीमेक के लिए ऋतिक ही मेरी पहली पसंद थी, लेकिन बैंग बैंग जो कि हॉलीवुड फिल्म नाइट एंड द डे की ऑफिशियल रीमेक है, उसके बाद ऋतिक किसी भी हॉलीवुड फिल्म के रीमेक में काम करना नहीं चाहते। आपको बता दें, इससे पहले सिद्धार्थ और ऋतिक एक साथ बैंग बैंग में काम कर चुके हैं। वैसे काबिल के जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद इन दिनों जूनियर रोशन अपने दोनों बेटे रिहान और रिधान के साथ यूएसए में छुट्टियां मना रहे हैं। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए।